आज हम बनाएंगे क्रोशे पफ स्टिच। स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रोशे फॉर बिगनर्स में। इसके लिए पफ स्टिच के लिए हमें किसी भी तरह का धागा ले सकते हैं और जो हुक लेना होता है वो धागे से एक साइज़ बड़ा लेना होता है। सेम भी ले सकते हैं आप सेम साइज़ का, मतलब इस धागे के लिए या कितना भी थिकनेस का धागा है उसके लिए जो आप हुक यूज़ करते हैं वही कर सकते हैं, और या एक साइज़ बड़ा ले सकते हैं। एक साइज़ बड़ा लेने में क्या होता है, ये जो पफ्स आते हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं। तो इसके लिए हमने इवन नंबर ऑफ चेन्स लेनी है, जंजीरें जो हैं हमने 2, 4, 6, 8 के उसमें बनानी है, तो मैं 10 बनाऊंगी। बना के अब हमने पफ स्टिच स्टार्ट करनी है। तो धागा लपेट के हमें 1, 2, 3, 4 चेन फ्रॉम हुक इस पे हमने बनाना है। तो 1, 2, 3, 4 इस पे हम पहला बनाएंगे। तो हमने धागा लपेटा है और स्टिच में हुक डाला और वापस धागा खींच लिया। खींच के हमें धागा इतना लंबा करना है कि जो ये इसकी इन तीन जो तीन चेन्स हैं इनकी हाइट पे आ जाए। दोबारा धागा लपेटेंगे, हुक डालेंगे और धागा निकालेंगे। तीसरी बार धागा लपेटा, हुक डाला और बाहर निकाल लिया। अब एक फंदे को छोड़ के सब फंदों में से धागा निकाल लेना है। लास्ट में 2 फंदे बचे और फिर इन दोनों में से धागा निकालना है। ये बन गई हमारी पहली पफ स्टिच। अब चेन एक करके हमको अगली जो स्टिच है वो छोड़नी है और उसके अगले में काम करना है। तो धागा लपेट के इसमें भी हम 3 बार हुक डाल के धागा खींचेंगे। तो धागा लपेटा, ये वाली स्टिच छोड़ी, अगली में हुक डाला, धागा खींचा, हुक डाला, धागा खींचा 2 बार और ये तीसरी बार। सब में से निकाल लिया एक को छोड़ के और फिर 2 फंदे बच गए, इनको भी धागे इनमें से भी धागा निकाल लिया। चेन एक, अगली स्टिच छोड़नी है आपको, अगली चेन छोड़नी है इसमें, एक छोड़ी, इसमें हमने काम करना है। धागा लपेटा और इस चेन में से निकाला, धागा निकाला 1, 2 और 3 बार। अब धागा लपेट के इन सब में से एक को छोड़ के इन सब में से धागा निकाल लिया। 2 फंदे बचे, उन दोनों से भी धागा निकाल लिया। चेन एक और अगले स्टिच में हमने काम करना है, अगला स्टिच छोड़ देना है, उसके अगले में काम करना है। तो ये हमारा लास्ट स्टिच है। धागा लपेट के क्रोशे डाला, धागा निकाला, दूसरी बार धागा लपेट के क्रोशे डाला, धागा निकाला और तीसरी बार धागा लपेट के निकाला और क्रोशे को एक फंदा छोड़ के सब फंदों में से धागा निकाल लेना है। इस तरीके से 2 फंदे बच गए, इनमें से धागा निकाल लिया। अब हमारा बन गया पहली रो। अब अगली रो के लिए 1, 2, 3 और पलट दें। इस रो में हमने काम करना है इन चेन स्पेसेस में, और इस रो का लास्ट जो हमारा पफ स्टिच बनेगा वो चेन 3 और लास्ट पफ के बीच में बनेगा। तो धागा लपेटा और इनमें काम करना है 1, 2 और 3। सब में से धागा एक को छोड़ के निकाल देना है, फिर दोनों में से धागा निकालना है। इसमें भी चेन एक और अगले चेन स्पेस में हमने काम करना है 1, 2, 3। एक छोड़ के हमने सब में से धागा निकाल लिया, 2 फंदे रह गए। अब इन दोनों फंदों में से भी धागा निकाल लेना है, चेन एक करी और अगले चेन स्पेस में हमने काम करना है 1, 2 और 3। अब अगला जो है वो इस स्पेस में काम करना है हमने। तो चेन एक बना ली हमने, चेन एक बनानी है और फिर अगले स्पेस में जो कि लास्ट स्पेस है 1, 2
3 और ये बन गया हमारा। दूसरी रो भी ख़त्म हो गई। इसमें हमने हमेशा देखना है कि नीचे वाली रो में हमारे बने हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके बने, तो उसके नेक्स्ट वाली रो में भी, क्योंकि हम स्ट्रेट बना रहे हैं तो सब में ही सेम नंबर्स ऑफ पफ स्टिच आनी चाहिए। तो ये हमारे ऊपर भी 4 हैं। अब तीसरी रो 1, 2, 3। अब जैसे मैंने इसमें 3 बार धागा लपेट के फंदा निकाला था, और इसमें मैंने दोनों रखे हुए थे यही दिखाने के लिए, इसमें मैंने 4 बार जो है जो क्रोशे हुक जो है स्टिच में डाला है। मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस क्या आएगा। ये तो हमने 3 बार डाले हुए हैं, अब हम 4 बार डालेंगे। तो वही चेन स्पेस में 1, 2, 3 और 4 कर दिया। अब इसमें से हमने सारा में से 1 को छोड़ के निकालना है, 2 बच गए और हमने इन दोनों में से भी निकाल लिया। चेन 1 और दूसरे में काम करना है हमने 1, 2, 3, 4 ये 2 रह गए, 1 ये बन गया पफ स्टिच चेन 1। अब आप डिफरेंस देख रहे होंगे, ये वाले जो नीचे वाले हमारे पफ हैं वो पतले लग रहे हैं और ऊपर वाले थोड़े से नीचे वालों में से थोड़े से मोटे लग रहे हैं। तो आपको जितने मोटे पफ चाहिए, पतले पफ चाहिए, उसी के हिसाब से आप हुक जो है उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। वो 1, 2, 3 और 4 सब में से ले लिया। जब भी इसमें से निकालना है हुक का मुंह जो है नीचे की तरफ करें, चेन 1। अब लास्ट जो बनेगा वो इस स्पेस में बनना है जो पफ स्टिच और चेन 3 के बीच का स्पेस है। तो 1, 2, 3 और 4 अब एक तो खींचना भी होता है इन्हें ताकि हम हुक जो है आराम से निकाल सकें, दूसरा जब हम फंदा लेते हैं तो हुक का मुंह जो है नीचे रखते हैं, उससे हुक जो है कहीं नहीं अटकता। और लास्ट के 2 इस वाली रो में भी हमारे 4 आए हैं जैसे पिछली रो में आए थे। तो इस तरीके से हमारा पफ स्टिच बनेगा। इस स्टिच को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में। ये स्ट्रेट पफ स्टिच है जिसमें पफ जो हैं सीधे जा रहे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में चाहे शॉल बनाएं, चाहे स्कार्फ बनाएं, चाहे स्वेटर बनाएं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा लुक देते हैं हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को। आशा है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।